रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल मेरे भैन भरा? मेरी कर सब मेरे भैन भरा ठीक हो? कैसे ठीक है? अलहमदुल्ला, अल्लाह का शुक्र। इसे प्यारी दी दुआ के नाल अज्ज वीडियो शुरू कर दें। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी जी दा साडा चैनल आयशा फैमिली ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बैल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लो ताकि साडी आने वाली हर वीडियो मेरे भैन भरा तक वक्त पहुँच सके। तो अज्ज वीडियो कुछ इस तरह वा भी एक मिनट आया सी भैन भरा कुछ कमेंट करते थे भी ना तुसी ना स्टार्टिंग जरा छोटी कराया करो। हाँ जी, मैं अज बेगम दसिया गा तो उन्होंने कहा भी छोटी कमेंट आया से किसी भैन भरा का ज किसी धी का जे किसी भाई का तो भी कमेंट दूसरा वीडियो स्टार्टिंग जी छोटी कराया करो तुम। तो बेगम बेगम ही कहती ठीक है, अज तो बाद छोटा छोटी स्टार्ट करा तो अल्लाह तला साढ़े भैन भरा तंदुरुस्ती दे सेहत दे। शाम पै चुकी है, मिस्त्री छुट्टी करके सारे चले गए घरों, तो मजदूर दोवें बेचारे लगे हुए हैं। मैं बैठे बैठे चलो मैं क्या भी अज बेगम के घर मिट्टी लाँदी सी क्योंकि सारा दिन फिर वो ला लानी तो वैसे किचन नहीं सी, फिर मैं क्या किचन मिट्टी ना लाओ तुम तो क्योंकि किचन ढा देना है। वो अरसलान जगह दी है भी अरसलान, मैं क्या भी इतने मेरा बेटा तेरा मकान आज हनान है साडा मलंग बंदा, चलो हनान मैं क्या तुम हशियार चला को तुम अपने पा लोगे ये बेचारे को कितने पैने है तो वह हनान दे दौ। उन्होंने कहा चलो ठीक है आपू अस इधर पा लें अपने जिदा भी साढ़े को। मैं क्या कुछ तुम आसरा करो कुछ मैं भी नाले आसरा करा, बाकी अल्लाह तला खैर करेगा तो अरसलान का इतने मकान पै जाएगा। मैं फिर क्या मैं तुम किचन मिट्टी ना लाओ। तो उन्होंने फिर वेड़े मिट्टी फेरी सारा दिन तो थकी सी, तो उन्होंने ब्लॉग को नहीं बनाया जी, ब्लॉग ही साढ़े को नहीं है तो बस बैठे बैठे जेन चाहिए गल। मैं चलो मैं ही स्टार्ट कर लेना है, चलो जिन्ना क बने उन्ना भैन बना के भैन भरा शेयर कर लेना। तो हूँ लगे हुए मुंडे सुबह का इंतजाम करने वास्ते क्योंकि मिस्त्री भी जो चल जाते हैं फिर शाम को इंतजाम करके तो फिर छुट्टी करते हैं। तो मगर दी जान भी होने वाली है तो पहले मैं दिखाना भी की करन दा है। अच्छा जी, आ देखो रेता भर भर के जाते तो फट्टा रखे वा तो नेरा भी अंदर हो गया काफ़ी सारा क्योंकि हम फिर लैटिंग अंदर होगी तो ही चानन होगा ना। तो यह देखो रेता इतने सीटी जाते हैं कि सुबह वास्ते भी सुबह सुबह फिर इन्हों रेता सीटनी नहीं पेगी, फिर सीमेंट छड़ के दवादार ला लें। तो हाल माशाला सारा ही अच्छ प्लस्तर हो गया वा, ए दो दीवार कल हुई थी बाकी आने प्लस्तर ये किया है तो एक एक दीवार है सैड तो कड़ी है आ भी दीवार माशाला प्लस्तर हो गई। तो पिछला वाशरूम भी अंदर तो प्लस्तर हो गया तो बहरों रहा है तो जहाँ यह जगह रही है। उम्मीद है भी तिना चौं दिन के अला खैर चौं चार दिन ना पाँच दिन होर लग जाएंगे भी सारा प्लस्तर जो है ना फाइनल हो जाएगा, तारा शार ला के हर सक तो असं वैसे आने जरा टुर फिर झट मैं तो बस चलिए बस चला चलिए। अच्छा जी, जान डे असी बाजार वालों दुकान पर चले हैं कोई चीज़ लैन वैसे। तो यह देखो यह है वा पालक पकड़ा, वो तौबा ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होंगे है, इतना खतरनाक हों कि ये जिदनों सीटो एक कंडा तान ही होंगे है, ये ट्रैक्टर का पिछला टायर भी पेंचर कर देता है। साढ़े मसाए मिस्त्री लगे परली साइड से, तो ये भी छुट्टी करके हम जान डे हुए, तो असं भी अलग करके बाजार जान डे हैं। यह है साढ़े इलाके के घोड़ तुम्हें बहुत ज़्यादा होंगे, देखो किस तरह टिब्बे उत्ते तुम्हें तुम्हें पे हैं। तो सामने बच्चे खेल रहे है क्रिकेट, इतने घट रहा शायद जुमेल दिन बहुत ज़्यादा होंगे। हैल बीजी हुई है देसी कपाह, देसी कपाह भी बेच नरमा भी है, वैसे भी उत्तों तोड़नी शुरू कर ली है क्योंकि इन्हें अपनी बकरियां बहुत ज़्यादा है। तो ये बकरियां फिर इतने छड़ लेंदे आग बेच टुड़िया फिर रही है, देखो उत्तों तो ना तोड़ी हुई है क्योंकि संघनी बहुत ज़्यादा बीजी फल नहीं इन्ना ज़्यादा लगा है। तो एल जमीन पट्ठिया वास्ते तैयार कर ली, पिछले साल भी इतने पट्ठे थे तो इधर इन्हों की कणक सी, ये मेरे ख्याल कणक बीजन गए, इन्होंने करा करवाया दूसरा लेवल करा कराया है। तो बाजरा माशाला जबरदस्त खड़ा बाजरा, और चार देना क्योंकि उत्थे अगली साइड तो बाजरा है, एको दिन ही लाया अगलिया ने जो माल डंगर वाले सारा दिन वढ़ के सीटी उत्तों ला के सीट के तो हर शायद चक के सारे एको दिन के सारा बाजरा इकट्ठा करके लै गए। अभी पैदल ही जान डे दुकान पर
ਬਦਕਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਪਾਹ ਦੀ ਚੁਣਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਿੱਟੀ ਸਫੈਦ ਖਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਚੁਣਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਵੀਰ ਬੈਨ ਬਾਈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਲੋਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਸ 'ਚ ਐਸ਼ਾ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵਲੋਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਾਣਾ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਧਾ ਵਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸ਼ਾ ਦਾ ਬੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਲੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਅਗਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਦੁਆ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵਸੀਲਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇ ਔਲਾਦ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੇਕੁਰ ਸਾਲੀਆ ਔਲਾਦ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਾਮਲੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਸੀਲਾ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇ ਘਰ ਵਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦੇਵੇ, ਆਮੀਨ ਸੁਮਾ ਆਮੀਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।